Hello everyone, welcome back to our channel. So in previous, today we will do the last topic of scientific management, and in previous chapter we read about the mental resolutions and comparative study of contribution of trailer and fuel. So in previous video we compared trailer and fuel, and in this video we will see the similarities and the dissimilarities, that is similarities and the difference of trailer and fuel. Let's begin. So in similarities, the first point is solution of managerial problem. So in this video we will discuss that jo trailer and fuel the un dono mein similarities kya tha. Okay, so first in mein jo hai wo hai solution to managerial problem. Okay, so ye jo hai ye kafi important hai jo questions mein regularly aate rehta hai. जिसका डिफरेंस है वो काफ़ी टाइम बोर्ड्स में या एग्जाम्स में पूछा जाता है. सो डू इट वेरी नाइसली. ओके, सो द फर्स्ट इज, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रेलर एंड फ्यूल थे उन दोनों को जो सिमिलैरिटीज है वो पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट है सॉल्यूशंस टू मैनेजरियल प्रॉब्लम. तो जितने भी मैनेजरियल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन था, ये उन लोगों का सिमिलैरिटीज था. क्या सिमिलैरिटीज था? बोथ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैव प्रेजेंटेड सॉल्यूशंस to the management problems based on their experience and experiments. Their solutions presented by both these experts are present in shape of principle. Okay, तो इन दोनों ने जो अपना principle बनाया, जो तो both person, that is trailer and fuel. Okay, so trailer and fuel जो ये दोनों थे, इन दोनों ने क्या जो भी principles बनाए हैं, या फिर उन्होंने जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो भी उन्होंने सॉल्यूशंस दिया है, जो भी उन्होंने सॉल्यूशंस दिया है, उन दोनों ने क्या किया, अपना जो एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस, मतलब अपना जो काम करने का तजुर्बा एंड एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, उन दोनों के बेसिस पे दोनों ने मैनेजमेंट, जितना मैनेजरियल प्रॉब्लम था उन दोनों का सॉल्यूशंस सेट किया. और जो सॉल्यूशंस का फॉर्म था, दैट इज़ प्रिंसिपल्स. सो इन्होंने क्या किया, जो भी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स जितने भी किए, उनका जो सोल्यूशन था उन्होंने उसको एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नाम से उन्होंने उसको प्रोवाइड किया मैनेजमेंट को. जितने भी मैनेजमेंट, जितने भी ये जो क्या है, ये दोनों मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, तो इन्होंने जो मैनेजमेंट की जो वर्ल्ड है उसको ये एज अ प्रिंसिपल के, एज अ प्रिंसिपल, तो उन्होंने इसको प्रेजेंट किया सोल्यूशंस को. जितने भी सोल्यूशंस बने, क्या बने, दोनों का एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे. ओके, सो इन दोनों का सिमिलैरिटीज यही है कि ये जो है बना है दोनों का एक्सपीरियंस में. कोई भी इन्होंने कहीं से भी, इन दोनों का जो सिमिलैरिटीज ये है कि इन्होंने जितना भी प्रिंसिपल्स करा दोनों का, उसका निकालने का सोल्यूशन, निकालने का वे जो था वो सेम था. नेक्स्ट इज स्ट्रेस्ड ऑन प्रिंसिपल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. ओके, सो सेकेंड है वो है स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. तो इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन जो इन्होंने निकाला उसका जो एस्पेक्ट था, ओके, तो क्या था, ट्रेलर एंड फ्यूल हैव बोथ बीन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रियलिटी ऑफ वर्क. तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो ट्रेलर एंड फ्यूल थे, जब मैंने ट्रेलर एंड फ्यूल का जो लाइफ है उसके बारे डिस्कस किया था, देन ओनली आई टोल्ड यू दैट कि इनका जो लाइफ था, जो ट्रेलर थे उन्होंने एज अ वर्कर ज्वाइन किया था. ओके, WF ट्रेलर जो थे वो उन्होंने एज अ वर्कर एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए थे, और आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही रीच टू अ गुड मैनेजरियल लेवल. ओके, बट जो फ्यूल थे उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने मैनेजमेंट, ही जॉइंड इट एज अ मैनेजर. उनका काफ़ी अच्छा पोस्ट में उनका वो अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए थे. तो दोनों क्या है, दोनों ही जब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उनका जो काम था, उनको पता है कि क्या काम था. ये एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि एक स्टूडेंट को ही पता होता है कि स्कूल में क्या होता है. ओके, ऐसा कोई इंसान जो कभी स्कूल गया ही नहीं, वो क्या स्कूल का प्रॉब्लम्स है, स्कूल कैसा होता है, उसका उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से पढ़ाई होती है, उनको नहीं पता होगा. ओके,
यही चीज जो है ये सेम है कि दोनों ने ही अपना जो करियर है वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उन्होंने जो रियलिटी ऑफ वर्क, जो मैनेजमेंट का जो रियलिटी है, उन्होंने इसको काफ़ी क्लोजली अब्जॉर्ब करा है। तो इससे पता चलता है कि उन दोनों ने, क्योंकि जो ट्रेलर थे वो एज अ एम्प्लॉय ज्वाइन किए थे और जो फ्योल थे वो एज अ मैनेजर, तो जो ट्रेलर थे उनको पता था कि एक एम्प्लॉय को, एक लोअर एम्प्लॉय को, लाइक प्लेटफॉर्म एरिया के एक एम्प्लॉय को कितना प्रॉब्लम्स हो सकता है। सिमिलरली जो फ्योल थे उनको पता था कि एक मैनेजर को प्लानिंग करने में, डिस्कस करने में, कंट्रोल करने में, मैनेजमेंट के लिए सोचने में, प्रॉफिट बनाने में क्या क्या स्ट्रेस और मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। फ्योल को लगता था कि उन्होंने इस बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करा और चेंजेस किए, एंड ट्रेलर किस तरह से जो वर्कर्स हैं उनको ये लगा कि जो वर्कर्स हैं वो अपने काम के एफिशिएंसी से वर्क नहीं करते हैं, लाइक वो लोग जितना काम करते उससे कहीं ज़्यादा और वो काम कर सकते, तो उन्होंने उस बेसिस पे अपना प्रिंसिपल्स को सेट किया। तो वो क्या, उन दोनों दोनों ने इसको प्रैक्टिकल लाइफ और रियलिटी ऑफ लाइफ को काफ़ी अच्छा से अब्जॉर्ब करा, देन ओनली दे आर एबल टू डू दैट। नेक्स्ट इज दिस इज वाई दे बोथ हैव लीड स्ट्रेस अपॉन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क, इन अदर वर्ड्स दे गिव देयर सजेशंस अबाउट इम्प्रूवमेंट इन देयर सच इम्प्रूवमेंट वेयर पॉसिबल। दे डिड नॉट ले डाउन एनी प्रिंसिपल विच कैन नॉट बी ब्रॉट इन टू द पैरामीटर्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी। ओके, सो इनका यहाँ का मतलब ये है कि इन्होंने जितना भी काम किया, मतलब जिन्होंने जहाँ जहाँ जिस प्लेस में इम्प्रोवाइज किया, इम्प्रूवमेंट किया, तो उनका यही सिंपल उनका वे था कि जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ ही वो लोग करेंगे। बिकॉज क्या, उनको पता था, एक लेबर को पता होता है, एक वर्कर जो एक लेबर होता है प्लेटफॉर्म लेबर में, उनको पता होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ही और शी इज़ नॉट गेटिंग अ परफेक्ट वर्किंग इन्वायरमेंट। ओके, वो जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका जो इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट, वो हेल्दी नहीं है। तो उसको पता था कि हम जहाँ पे काम कर रहे उसका वर्किंग जो इन्वायरमेंट था हेल्दी नहीं था। अब क्या क्या होने से हेल्दी होता, गुड इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिनेस, ये सब इम्पॉर्टेंट था। तो जब ट्रेलर, आई एम गिविंग जस्ट एग्जाम्पल, जब ट्रेलर को ऐसा लगा कि ये सब चीज़ पर वर्क करके हेल्दी इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है, सिमिलरली तो उन्होंने क्या किया, जो जो चीज़ पॉसिबल हो सकता था, ओके, उन्होंने उस चीज़ों पे काम किया, और जितना भी उन्होंने प्रिंसिपल दिया सब रियल लाइफ पे और प्रैक्टिकली काम होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी एक उठाया और डाल दिया प्रिंसिपल्स में कि हमारे प्रिंसिपल्स में ये काम होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये था सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक दैट इज सिमिलैरिटीज इज स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ओके, तो क्या है ये, स्ट्रेट ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इसमें बोलते हैं बोथ द एक्सपर्ट्स आर ऑन द ओपिनियन दैट इफ गुड रिलेशंस बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर्स आर स्टैब्लिश्ड द ऑर्गेनाइजेशनल एम्स कैन बी इजीली अचीव। तो इनका बोलने का मतलब ये होता है कि बोथ द एक्सपर्ट ऑफ द ओपिनियन दैट इफ गुड रिलेशंस बिटवीन ओनर एंड वर्कर। तो ये कहते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ओनर एंड वर्कर है, ओके, ये दोनों जो ओनर एंड वर्कर, लाइक जिनका वो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैनेजर है, ओके, और जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, अगर दोनों का एम जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल एम हो, मतलब दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचे, ऐसा नहीं सोच के कि अपने बारे या खुद अपना सेल्फ प्रॉफिट के बारे नहीं सोच के, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचे, दैट इज़ गुड, और ये अच्छा होता है एज वेल एज ये ऑर्गेनाइजेशन एम को जो है अचीव करने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये होता है, तो इन दोनों का ये मानना था कि जो गुड रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में और उसको अच्छी तरह से अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल है उसको काम करने में। ओके, सो अब जो है ये डिसिमिलैरिटीज़ है, जो भी है डिफरेंस बिटवीन ट्रेलर एंड फ्योल। ओके, सो मैं इसको रब कर देती हूँ।
डिफरेंस पढ़ेंगे. ओके सो देखिए, अब ये जो डिफरेंस है ये चार्ट पर डिफाइन किया गया है, पर मैं आपको चार्ट से नहीं समझूँ, वो आप बुक पर देख के भी समझ सकते हो. बट आई विल डू इज आई विल एक्सप्लेन यू इन कि वो डिफरेंस एक्चुअली में था क्या, और आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड दैट. तो यहाँ पर हम लोग ट्रेलर का डिफरेंस लिखेंगे और यहाँ पे फियर. ओके इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट होता है. बेसिकली क्वेश्चन आता है, रिपीटेडली आता है. ओके सो रिलेशंस टू प्रोडक्शन अचीव रिलेटेड टू फैक्ट्री एरिया. ओके सो ट्रेलर जो थे इनका क्या था प्रोस्पेक्टिव क्या था, जो ट्रेलर थी इनका प्रोस्पेक्टिव क्या था, और जो फियर थी उनका प्रोस्पेक्टिव क्या था. तो जो ट्रेलर थे उनका पर्सपेक्टिव ये था, रिलेटेड टू प्रोडक्शंस एक्टिविटीज रिलेटेड टू फैक्ट्री एरिया. तो इनका था जो भी जितना भी प्रोडक्शन होता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ओके प्रोडक्शन जो भी होता था और ये प्रोडक्शन जो भी उसका एक्टिविटीज क्या होना चाहिए, लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोडक्शन. ओके सो प्रोडक्शन के रिलेटेड लाइक उसका सेल्स देखना, मार्केटिंग देखना, प्रोडक्शन देखना, देन कितना लेबर्स चाहिए, लेबर्स का टाइमिंग क्या होगा, शिफ्ट क्या होगा, कितना ड्यूरेशन में काम कंप्लीट करना चाहिए, मटेरियल क्या चाहिए, रॉ मटेरियल क्या चाहिए, मशीनरीज क्या चाहिए, उसका मशीनरी रॉ मटेरियल का ऑब्जर्वेशन करना, उसका ध्यान रखना, दिस ऑल आर कम अंडर प्रोडक्शन. क्योंकि मेन एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों प्रॉफिट करेगा, जब वो प्रोडक्शन करेगा, जो उसका प्रोडक्ट है वो बेच मतलब सेल होगा तभी ना. तो इनका जो होता है जो प्रोडक्शन है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो जो ट्रेलर थे ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड चीज़ जो फैक्ट्री एरिया में होता उनका उनको ऑब्जर्व करके प्रिंसिपल्स दिए थे. ओके बट जो फियर थे रिलेटेड टू द हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो ये जो थे ये जो हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओके हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से ही वो अपना काम कर रहे थे. ओके अब मैं बता देती हूँ. एज आई सेड जो ट्रेलर थे उन्होंने एज अ लेबर ज्वाइन किया था, तो उनको पता था कि लेबर का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना. लेबर ये मैंने बताया था टॉप मिडिल लोअर एंड प्लेटफॉर्म एरिया. सो ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म एरिया. तो ये जो होता था ये जो होता दे आर प्लानर, दे आर ऑर्गेनाइजर, दे आर कंट्रोलर, दे आर सुपरवाइजर, ये सब आते थे ये सारे प्लेसेस पे. ओके ये सारे प्लेसेस में आते थे. बट जो ट्रेलर थे ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ वर्कर. सो ही विल नो बेटर दैट कि जो प्रोडक्शन एरिया में जो भी काम होता था वो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, एंड प्रोडक्शन करने में क्या क्या चीज़ होता है जिसको इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प मिलता है. ओके सो दिस आर द थिंग्स. तो एज उन्होंने अपना करियर एज अ लेबर ज्वाइन किया था, सो उन्होंने प्रोडक्शन को अपना मेन प्रायोरिटी बनाया और उसी के बेसिस पे उसके प्रस्पेक्टिव में उन्होंने अपना जो है प्रिंसिपल्स दिया. सिमिलरली फियर स्टार्टेड हिज करियर एज अ हाई लेवल मैनेजर. ओके तो वो एक हाई लेवल मैनेजर थे, उन्होंने ये सिनेरियो को नहीं देखा था. उनका देखने का सिनेरियो था कि मैनेजर लेवल में जो भी प्रॉब्लम होता था ये उनको देखते थे, तो उनको जो जो प्रॉब्लम दिखा तो उन्होंने उसका प्रिंसिपल्स बनाया. ओके उसके लिए क्या हुआ, इन्होंने क्या प्रोडक्शन मतलब जो फैक्ट्री है जो प्रोडक्शन लेबर थे उनके लिए प्रिंसिपल्स बनाए, एंड ही मेड प्रिंसिपल्स फॉर द मैनेजमेंट लेवल. यूनिटी ऑफ कमांड. ओके तो ये हमने पहले ही पढ़ चुका है, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डिमांड, आप प्रीवियस वीडियोज देख सकते हो. सो यूनिटी ऑफ कमांड इज बी लोकेटेड अ वर्कर्स वर्क अंडर सुपरविजन ऑफ एट स्पेशल सिमुलेशन. ओके सो यूनिट ट्रेलर का ये बोलना है जो यूनिटी ऑफ कमांड है, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है, किसी को कमांड देना उसके बेसिस पे काम करना. तो अ वर्कर वर्क्स अंडर द सुपरविजन. तो जो भी जो वर्कर होता है वो क्या होता है, वो काम करते हैं किसी के सुपरविजन, मतलब सुपरवाइजर का काम क्या होता है, सुपरवाइज करना, किसी सुपरविजन में रखना, अपना विजन में एम्प्लॉइज को रखना. ओके सो एट स्पेशल, तो उनको क्या होता है, उनके लिए एट स्पेशल रूल बनाया गया था जिसके बेसिस पे वो सुपरवाइज करते थे. ओके द प्रिंसिपल इज अप्लाइड स्ट्रिक्टली. तो इनके लिए क्या था, इनके लिए सुपरवाइजर था जो उनको डिसिप्लिन में रखते थे इम्प्लॉयज के लिए. बट जो फियर थे एज ही स्टार्ट हिज करियर एज अ मैनेजर, सो इट शुड बी मेंटेन स्ट्रिक्टली. उनके पास वो गलती लाइक उनको गलती करने का ऑप्शन उसके पास काफ़ी कम था, बिकॉज वो एक मैनेजर लेवल में थे, वो प्रोडक्शन या फिर वो प्लेटफॉर्म लेवल में नहीं थे. तो उनके लिए क्या था, द प्रिंसिपल इज
अप्लाइड स्ट्रिक्टली, उनका जो जितना भी प्रिंसिपल था वो अप्लाइड स्ट्रिक्टली होता था. नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी, तो एप्लीकेबिलिटी पर ही इट इज़ अप्लाइड इन स्पेशल सिचुएशंस. तो जो ट्रेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये क्या होता है, स्पेशल सिचुएशंस में अप्लाइड किया जाता है. ओके तो जब लाइक हर दिन जो डेली बेसिस पे जो काम होता है ये उस पर अप्लाई नहीं किया जाता, जो स्पेशल सिचुएशंस होते हैं उस पर अप्लाई किया जाता है. सिमिलरली फ्योल जो थे इट्स अप्लाई यूनिवर्सली. तो यूनिवर्सली मतलब परवर्शिप, जो हर जगह पे काम होता है, हर हर लेवल्स पे काम होता है, लाइक लेवल टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. ओके सो इनका जो था, इनका जितना मैनेजमेंट और जिनका प्रिंसिपल्स होते थे ट्रेलर का, वो क्या होता है स्पेशल सिचुएशन में काम होता था. एंड जो इनका था फेयॉल का, वो यूनिवर्सल था, वो हर जगह हर लेवल पे काम होता था. तो इसका हो गया मेन पॉइंट कि इनका जो था वो स्पेशल सिचुएशन में काम होता था और इनका जो होता था वो क्या होता था यूनिवर्सल था. ओके डन. बेस्ड ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है. बेस्ड ऑफ फॉर्मेशन, ट्रेलर का ये मानना है एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. तो ये बेस्ड ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जितने भी प्रिंसिपल्स बने ये फॉर्म कहाँ से, इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुई, इसका फाउंडेशन क्या है और इसका ये कैसे बना, किस तरह बना, किस बेसिस पे बना. ओके सो इस क्वेश्चन का आंसर है जो ट्रेलर थे उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन लाइक जितना भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करके एनालाइज करके उसको उसका जो रियल वर्ल्ड है उसको काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करके उसको रियल रियलिटी में फील करके और एक्सपेरिमेंट के साथ उन्होंने प्रिंसिपल्स को बनाया. ये ट्रेलर किए थे. फेयॉल ने क्या करा, प्रेजेंटेड पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया एंड एक्सपेरिमेंट किया. ट्रेलर ने फेयॉल ने क्या किया, वो प्रेजेंट किए पर्सनल एक्सपीरियंस इन फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ. तो उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वर्किंग एज अ मैनेजर और इन अ गुड पोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस और जो यूनिवर्सल ट्रुथ, जो चीज़ मतलब जो हर एक लेवल पे होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब वी नो बट यहाँ पे जो यूनिवर्सल है उसका मतलब होता है कि जो थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे काम करना, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है. नेक्स्ट है फोकस, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन, द स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पीड एक्सेट्रा. तो इनका जो था ट्रेलर का मेन फोकस ये था कि इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्शन उसको इंक्रीज करना विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्टडी टाइम एंड स्पीड एक्सेट्रा. तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि ये जो भी काम है उसका एक्यूरेट और परफेक्ट नॉलेज हो, स्टडी करके लिमिटेड गिवन टाइम में करके एंड स्पीड में करके, लाइक अगर टाइम से हम लोग जल्दी काम करते तो हम लोग दूसरा काम भी कर सकते, तो क्या होता है वो प्रोडक्शन को अच्छा करता है, प्रॉफिट का ज़्यादा चांसेस होता है. तो उनका ये मानना था, उन्होंने बेसिकली अपना जो फोकस था वो प्रोडक्शन पे दिया. फेयॉल का था परफॉर्मिंग द इंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बाय फॉलोइंग डिफरेंट प्रिंसिपल. इनका ये मानना था कि प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना. और फेयॉल का ये कहना था कि इंटायर जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिफरेंट प्रिंसिपल से फॉलो करवाना, डिफरेंट प्रिंसिपल के हिसाब से चलना. ओके सिक्स नंबर इज पर्सनैलिटी. ओके तो इनका जो था ट्रेलर का पर्सनैलिटी ये था साइंटिफिक, वो अपना साइंटिफिक हिसाब से अपना प्रिंसिपल्स को बनाए थे. फेयॉल जो थे उनका प्रोफेशनल था. अब क्या होता है, एज आई टोल्ड दैट उन्होंने अपना जो करियर है वो वर्कर्स से स्टार्ट किए, तो ये नॉर्मल है कि वो साइंटिफिकली सोचेंगे. सिमिलरली जो ये थे वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छे पोस्ट पे, तो वो प्रोफेशनली सोचेंगे. तो ये डिफरेंस है उन दोनों में, ये लास्ट डिफरेंस है. एंड दिस इज द लास्ट थिंग, लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, एक्सप्रेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो इन्होंने जितना भी अपना स्टडी करा, एक्सपेरिमेंट करा, जो भी करा, उसका लास्ट जो है एक्सप्रेशन, मतलब किस तरह से उसको एक्सप्रेस किए, ट्रेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट से एक्सप्रेस किए, दैट वी आर ऑलरेडी रीडिंग. और जो फेयॉल थे वो जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका वो इस हिसाब से उसको एक्सप्रेस किए. तो इनका एक्सप्रेस करना था साइंटिफिक मैनेजमेंट और फेयॉल का एक्सप्रेस करना था
जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इस चैप्टर था, इस चैप्टर में थोड़ा लेंदी था चैप्टर, बट वी कम्प्लीटेड। तो इसका अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते तो वेट जस्ट अ मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इम्पोर्टेंट यही है डिफरेंस बिटवीन साइन ट्रेलर एंड फ्योर। ऐसा सिमिलैरिटीज भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, कंपेरेटिव भी पूछ लिया जाता है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बट आर द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये अगर हो गया फैक्ट्री मैनेजर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में जनरली आते रहते हैं। सो थैंक यू फॉर द डे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 7th चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।